इंडिकेशन यूजेस थेरापेटिक यूज ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो हाइपरटेंशन में ऑल टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, जितना भी हाइपरटेंसिव पेशेंट आती है तो इसमें ये हम दे सकते हैं। एक पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन है यानी ब्लड प्रेशर है, HTN है, और इसके साथ ही उसको IHD यानी इस्कीमिक हार्ट डिजीज है यानी MIO, या एक पेशेंट अंजाइना उसको है, तो ये क्या करती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है इसमें हम बहुत बेहतरीन ड्रग्स है हेट मेंटेन द कार्डियक आउटपुट एंड आल्सो मेंटेन द कार्डियक फंक्शन। तो फ्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हार्ट रेट जो है वो 150 से या 100 से भी ज्यादा है तो उसके हर कंडीशन में, इस कंडीशन में हम ये ड्रग्स इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही एट्रियल फ्लटर है एक पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन, तो इस कंडीशन में हम क्या करें फिब्रिलेशन, इन दोनों कंडीशन में हम ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को तरजीह देंगे। सब एरिकनाइड हेमरेज नहीं, हम जिसको हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज, सब एरिकनाइड हेमरेज ये हो गया, तो इसको इस सूरत में हम क्या दे सकते हैं ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये बिस्तरीय बेहतरीन ड्रग्स है, इन कंडीशन में हम ये दे सकते हैं। एट्रियल फ्लटर ऑलरेडी यू नो, जैसा कि आपको मालूम है एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर जब है हार्ट रेट जो है ये 350 या 250, 350 से अबाव हो जाए, इन हार्ट 350 या 250 से हार्ट रेट ज्यादा हो जाए तो ये हार्ट जो है बिल्कुल ये आउटपुट नहीं पैदा कर सकती, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह करती है, जिस तरह एक परिंदा जो है और उसके पर जो है किसी ने काट दिया और वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं सकता, इस तरह जो है हार्ट जो है फ्लटर में क्या होते हैं, हार्ट जो है ये परिंदे की तरह जो है इस तरह उड़ने की कोशिश करेगा लेकिन ये बॉडी को ब्लड जो है ये बॉडी का डिमांड पूरा नहीं कर सकती, इन कंडीशन में दे सकते हैं ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बेहतरीन ड्रग है। और कंट्राइंडिकेशन क्या है इसका, कंट्राइंडिकेशन ऐसा कौन सी कंडीशन है जिसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है ये हम नहीं दे सकते या मना है, तो याद रखना हार्ट ब्लॉकर, एक पेशेंट है उसको हार्ट ब्लॉकर आ गया, यानी हार्ट ब्लॉक आ गया उसका, यानी राइट बंडल ब्रांच आ गया ब्लॉकर आ गया या लेफ्ट बंडल ब्रांच या लेफ्ट हार्ट ब्लॉक आ गया या राइट हार्ट ब्लॉक आ गया, तो ऐसी कंडीशन में हम ये नहीं दे सकते। एक पेशेंट है इसको ऑलरेडी हाइपोटेंशन है, इसका ब्लड प्रेशर जो है वो कम है, तो ऐसी कंडीशन में ये मना है, ये हम नहीं दे सकती। एक पेशेंट है उसका जो है हार्ट फेलियर है, यानी हार्ट फेलियर मीन्स ऑलरेडी उसके हार्ट की जो है वो कंडीशन ऐसी है कि बॉडी की डिमांड जो है वो पूरा नहीं कर सकते, हार्ट फेलियर में मुबतला है, तो ऐसी कंडीशन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये मना है। और इसके साथ ही ये भी याद रखना कि ये क्या करती है, ये ब्रेडिकार्डिया, एक पेशेंट है अगर उसको ब्रेडिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया का मतलब है उसके हार्ट रेट जो है ये कम है, तो इसी सूरत में हम ये मना है नहीं दे सकते। और इसके साथ ही एक और साइड इफेक्ट ये है कि एक पेशेंट है वो डिजैक्सिन डिजैक्सिन टेबलेट खाते हैं, तो इसके साथ जो है ये कॉम्बिनेशन में हम नहीं दे सकते क्योंकि क्या करते हैं डिजैक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, तो ये इसका कंट्राइंडिकेशन है। हम ये भी डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की साइड इफेक्ट क्या है, इसके नुकसान क्या हो सकती है अगर एक बंदा जो है वो एम्लोडिफिन जो है ये खाती है, या एक पेशेंट है वो रोजाना ब्लड प्रेशर के लिए डेल्टाजिम या मेजोप्रेसर या एम्लोडिफिन या जो है जोडेप वगैरह जो भी मार्केट में अवेलेबल नेम है उस ये ड्रग्स खाती है, तो इसकी साइड इफेक्ट क्या हो सकती है। तो फर्स्ट साइड इफेक्ट क्या है, नंबर एक जो है इसका क्या है, ये हेडेक कॉज करती है, यानी हेडेक सर दर्द जो है ये कास करती है, हेडेक जो है इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। इसके साथ ही फ्लशिंग फेस, यानी फ्लशिंग फेस जो है ये चेहरा जो है इससे सुर्ख होता है। इसके साथ ही पल्पिटेशन कास करती है, पल्पिटेशन पल्पिटेशन मतलब एक बंदा है अगर ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये ड्रग खाती है, वो जो है डाइहाइड्रोफायरिडीन है या नॉन डाइहाइड्रोफायरिडीन, तो इसका एक साइड इफेक्ट ये है। पल्पिटेशन का क्या मतलब है, पल्पिटेशन का मतलब ये है कि एक बंदा जब तेज दौड़ता है तो नतीजे में इसके हार्ट रेट जो है ये तेज हो जाता है। इस तरह एक पेशेंट अगर ये ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि एक इंसान इस तरह महसूस करता है कि मैं अपनी हार्ट का आवाज जो है ये अपनी ईयर से सुनता हूँ, वो ऐसा नहीं है लेकिन वो महसूस करता है कि मेरा हार्ट रेट जो है ये बहुत ज्यादा है, इसको हम पल्पिटेशन कहते हैं, या इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया इसको हम कहते हैं। इसके साथ ही ये और ये पेरिफेरल एडिमा खास करती है, क्या करती है पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा जो है ये खास करती है, यानी हाथ पांव जो है या फुट फुट या हैंड्स जो है इसका इससे इसमें सोलन पैदा हो सकती है इसके इस्तेमाल से। इसके साथ ही कार्डियक डिप्रेशन के नतीजे में ये हार्ट, क्योंकि हार्ट को डिप्रेस करती है तो हार्ट डिप्रेशन में ये क्या करती है ब्रेडिकार्डिया खास करती है। कॉन्स्टिपेशन इसका बड़ा साइड इफेक्ट है।